वहाँ बहुत सारे घर कपड़ा बुनाई करते थे, लेकिन बहुत लोग पलायन कर गए। पलायन क्यों किए? क्योंकि उनको बाजार नहीं मिला। तो किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो एक समझदारी, जानकारी, भागीदारी। तो इनके पास समझदारी है, इन्होंने बनाया, लेकिन लोगों को जानकारी ही नहीं है कि यहाँ ये बनता है। तो ये जानकारी देना पीआईबी का काम है, आप मीडिया बंधुओं का काम है, ये आप इसको बताएं कि यहाँ ये बनता है, बावन बूटी क्यों है। ये बहुत प्राचीन मतलब पहले की कला है, जिसमें गौतम बुद्ध जी के जो भी भगवान गौतम बुद्ध के चिन्ह होते हैं तो वो लगाए जाते हैं। तो ये बहुत ही अहम है अपने आप में। तो उसके बाद आता है भागीदारी। तो भागीदारी में कौन है? बनाने वाले हैं, आप मीडिया बंधु हैं ये बताएंगे, सरकार है, सरकार उनको सहूलियत देगी। तो जब ये तीनों चीज़ मिल जाएंगे तो किसी भी प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। वो आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ाने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, वो आगे बढ़ेगा। और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे चीज़ है। जैसे मैं जा रहा था, मैं रांची का रहने वाला हूँ, बंगाल में 7 साल रहा, फिर अभी इधर आया, 6 महीने भी हुआ। मैं जा रहा था, अभी आलूपुरा जा रहा है, वो एरिया पूरा आलू का है, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। मुझे बताया गया कि 5 किलो, 1 किलो, आधा किलो 500 ग्राम का भी आलू होता है। तो ये एक जगह है जहाँ वो स्पेशल, वहाँ का स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि आप लिस्ट में भी दिखाया गया कि पोटैटो हाउस एरिया का, नालंदा या पटना का। तो हर जगह इस तरह के प्रोडक्ट हैं, तो उसको हमको आगे बढ़ाना है। इंटरनेशनल लेवल पर तो बढ़ाना ही है, लोकल लेवल पर भी। तो जैसे कपिल देव जी ने कहा कि GI टैग के लिए वो मांग कर रहे हैं, तो GI टैग मिल जाए या पैरा ट्रेंडिंग हो जाए किसी भी प्रोडक्ट का, तो आगे बढ़ जाता है। साथ ही हम जैसे लोग, हम PIB के लिए जब प्रोग्राम करते हैं, या हमारी जो CBC है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, वो लगातार फील्ड प्रोग्राम करती रहती है 12 महीना 300 दिन। हर अभी भी कुछ हमारे सहयोगी हैं जो कि किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रचार कार्यक्रम कर रहे हैं। वो लोग फिर खरीदने आते हैं, कहाँ से? खादी भंडार पटना से। खादी भंडार में आते आते वो दाम बढ़ जाता है। ये खुद ही बता रहे थे कि यहाँ ये प्रोडक्ट बहुत ही कम दाम में मिलेगा, लेकिन खादी भंडार आप जाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो बहुत से लोग खादी भंडार नहीं खरीद पाते। एक दिन मैं खादी भंडार गया, मेरे साथ एक सहयोगी थे, वो बोले सर आपका, उनके डायरेक्टर से हम बात कर रहे थे, तो बोले कि सर आपका तो दाम बहुत ज़्यादा है। अरे भाई तुम्हारे लिए थोड़ी है, वो मजाक, ये गरीब लोग बनाते हैं, पहनते अमीर लोग हैं, ये तुम्हारे नहीं, लेकिन हमको ये चाहिए कि ये रीच को हम गरीब तक ले जाएं। तो अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही बिकेगा तो वो दाम निश्चित रूप से कम हो जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि इसका बाज़ार वहाँ बनाएं, और इनको मतलब जो भी सहूलियत मिलती है, ऋण मिलेगा तो उसको प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के बाद वो बाज़ार मिलेगा तभी लाभ होगा, ये होना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने किसी भी लेख में लिखें, हम भी PIB की तरह से कभी कभी लेख लिखवाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, और हम पेमेंट भी करते हैं। तो इस तरह का भी कुछ किया जा सकता है कि आप लेख लिखवाएं मिनिस्ट्री ऑफ, जैसे आपका उद्योग विभाग है, तो ये भी करा सकता है कि उनके लिए कुछ ऑनरेरियम दे दें। वो लेख लिखें तो 500 रुपये, 1000 रुपये अगर उनको देंगे तो ये इंसेंटिव होगा, वो लिखने के लिए आगे आएंगे। तो ये एक आइडिया मेरे पास है, जैसे हम लोग PIB में भी करते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो वो लोग खुद ही अपनी चीज़ को हाईलाइट करेंगे और ये चीज़ आगे बढ़ेगा। तो मखाना है अररिया में बांका सिल्क है, भागलपुर से भागलपुर सिल्क का मंजूषा पेंटिंग है, जरदालू मैंगो ऑलरेडी UK तक जा रहा है। तो छोटे छोटे जो जिले हैं उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसे विशिष्ट उत्पाद हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाया जा सकता है। और ODOP जो स्कीम है वो है कन्वर्जेंस स्कीम है, उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं, भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं MSME की, उन सभी को कन्वर्ज करके बुके ऑफ स्कीम्स जो अपने पास उपलब्ध है उससे उन प्रोडक्ट्स की मदद की जाए, यही उद्देश्य है। और जो इन्वेस्ट इंडिया है ODOP के DH स्कीम के माध्यम से प्रचार प्रसार, मेनली प्रचार प्रसार और जागरूकता कार्यक्रम करवाती है। तो उद्देश्य है कि ODOP अलग से एक स्कीम ना बन जाए, और बहुत ज़्यादा नई स्कीम्स लॉन्च करने से भी बहुत विशेष लाभ नहीं होता है। तो जो हम एग्जिस्टिंग हमारी राज्य सरकार, भारत सरकार की स्कीम्स हैं, उनसे ही जो ODOP के प्रोड्यूसर हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको मदद किया जाए, यही उद्देश्य है। सो भारत सरकार की इन्वेस्ट इंडिया टीम की मदद से ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन और डिज़ाइन वर्कशॉप्स जिलों में कराई गई हैं, और उसी क्रम में आज का भी इवेंट है, संपर्क इवेंट है, प्रेस मीडिया के माध्यम से ODOP के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता उत्पन्न हो। और प्रेस मीडिया से भी अनुरोध है कि वो फील्ड में लगातार विचरण करते रहते हैं, और अगर
केवल ODOP के तहत अगर कोई प्रोड्यूसर्स हैं, कोई उत्पादक हैं जिनको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, या फिर कोई जो बिना सरकारी मदद के भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनको आप मीडिया के माध्यम से लाएंगे मेन स्ट्रीम में, तो ज़रूर उद्योग विभाग उनको पहुँच कर उनको क्या कहते हैं अपनी जो बुके ऑफ स्कीम्स है उसके द्वारा मदद करेगा। तो इसलिए आप लोग भी मीडिया बंधु जितने भी हैं, और लगातार आपको भी कुछ अच्छा इनोवेशन या इस तरह कुछ एक्टिविटी फील्ड में होती है तो आपको सबसे पहले जानकारी मिलती है, उसको आप लोग भी केवल सूचना आदान प्रदान बल्कि एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं ODOP के एक्सपोर्ट प्रमोशन और बढ़ावा देने में। तो